मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निकट पर्यवेक्षण में श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू व सर्च अभियान पांचवें दिन भी जारी है। सोमवार को केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू शुरू हो गया है। MI-4 धाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतारा जा रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारेगा। सुबह 9 बजे तक 133 लोगों को केदारनाथ से MI व चिनूक एवं छोटे हेलीकॉप्टर्स की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। दिलों से हाथ जोड़ के बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं उनका कि जो हमें सुविधा मिली और इस सुविधा से हम जैसे अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ गुप्ता से आए हैं और भी हमारे हैं, हम 60 बोले हैं जो हम आए हैं। धीरे धीरे करके सब आने लग रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं नीचे जो खतरा था ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा इंतजाम सरकार के द्वारा। मैं अयोध्या से आया हूँ, 5 दिन से वहाँ फंसा था केदारनाथ में, आज आने को टाइम मिला है हेली से, और मुझे आने के बाद में पानी मिला है, नाश्ता मिला है। अयोध्या का रहने वाला हूँ, अब यहाँ से मैं अपने घर को प्रस्थान करूँगा। और आज जैसे ही मौसम खुला, हम भारतीय वायुसेना के जहाज से हमें गुप्तकाशी और आपके गुप्तकाशी जागीरधार में यहाँ छोड़ दिया गया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हाँ जी, सरकार में और एक केदार बाबा की कृपा से बहुत प्यार से पहुंची। हाँ जी, एक बहुत आशीर्वाद। हाँ, जिस दिन आपदा आए, हाँ जी, कई दिन बहुत जबरदस्ती से हम चले गए थे, भगवान केदार की क्या कृपा हुई बाबा। हाँ जी, अमणि थोड़ा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेचारा के चलना चाहे और सबकी व्यवस्था होना चाहिए, सबका जीवन बचना चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को राज्य के 2 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की सोमवार को संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से भारी बारिश की संभावना अधिक है। इसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली या बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इनमें दिख रहा है। इसी तरह जो देहरादून नैनीताल है या पौड़ी टेहरी, उसमें भी एक्टिविटी दिख रही है कि हैवी रेन आइसोलेटेड वो मिलेंगे। तो 5 से 7 दिन में ये कहूँगा कि सामान्य से थोड़ी हायर साइड में जो है वो एक्टिविटी वो रहने वाली है। और ये देख रहे हैं कि इस समय जो है जो स्थितियाँ हैं जो हिल्स में अगर बात कर लें ज़्यादातर जो है, तो कहीं ना कहीं जो सॉयल है या उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सेचुरेशन पे पहुंच चुकी है। अब जो बारिश मिलेगी वो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फ्लैश फ्लड है उस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा बढ़ावा देगी। जहाँ पे भी हैवी रेन या थोड़ी जो है मॉडरेट रेन भी है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में वो मिल जाए, जिसको कि आप इंटेंस स्पेल वगैरह बोलते हैं हम लोग, तो ऐसी जो एक्टिविटी हिल्स में दिखेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको फ्लैश फ्लड है या फिर जो है लैंडस्लाइड की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी। तो ये है कि अभी जो आवागमन कर रहे हैं लोग काफी सावधानी रखें। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर अनेक जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए शासन स्तर पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। और उत्तराखंड में आयुष की संभावना को देखते हुए बाहरी इन्वेस्टर्स भी उत्तराखंड में निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि इन्वेस्टर समिट से लेकर अभी तक करीब 500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं और आगे भी प्रयास जारी है, और अगले 1 साल में उत्तराखंड में आयुष के क्षेत्र में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की संभावना है। तकरीबन 500 करोड़ का अभी तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं अपने विभाग, अपने एफर्ट की तरफ से, और लगातार और प्रयास जारी है। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट हैं जो और पाइपलाइन में जो आगे आने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम अगले 1 साल में और बड़ा फिगर लेके आएंगे। लेकिन शुरू में ही जैसे इन्वेस्टर समिट से पहले ही हम लोग ने प्रयास शुरू किया था, तो काफ़ी अच्छी पोजिशन में है और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, इसमें काम शुरू कर दिया, तो आने वाले टाइम में और बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे।
स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि आज़ादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह रणनीति बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हमने की है और हमें जो शीर्ष नेतृत्व से अभी निर्देश मिले हैं वो यही है कि अपने प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए, जगह जगह पे हर विधानसभा में, मंडल स्तर पर, सभी स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में ये कोशिश रहेगी कि वहाँ पर हम तिरंगा यात्रा भी निकाल कर लोगों को एक मैसेज दें और सभी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करें। वहीं बीजेपी के तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि तिरंगा भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम किया है, कोई नई बात नहीं है। भाजपा के लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं करते। देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तिरंगा लहराना है। तो इवेंट मैनेजर लोग हैं, इवेंट मना और कोई काम है नहीं इनका, यहाँ यही सब कुछ करेंगे। देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको तिरंगा लहराना है। लोगों ने तिरंगा आज़ादी की लड़ाई में भी लहराया और उसके बाद भी लहराया और आज देश के विकास में तिरंगा लहराने का काम तमाम लोग, सीमा का नौजवान कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल हो रहे हैं, वहाँ पर खिलाड़ी लहराने का काम कर रहा है और हर व्यक्ति के दिल में और मन मस्तिष्क में तिरंगा विराजमान है। हरिद्वार में सावन के तीसरे सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया और शिवालयों में जलाभिषेक किया। इसके पहले हर की पौड़ी गंगा घाट पर लोगों ने डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर प्राचीन श्री बिलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बिलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। माता पार्वती ने यहाँ पर 3000 साल साधना की थी, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है, भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए। इसी बिल्व वृक्ष के नीचे माता पार्वती साधना किया करती थी और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर गौरी कुंड है, जिस कुंड का निर्माण माता जी ने अपनी चूड़ी से खोद खोद कर किया था। माता जी उस गौरी कुंड के जल में स्नान करती थी, जल ग्रहण करती थी और यहाँ आकर साधना किया करती थी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हैं। चारधाम यात्रा के चलते जगह जगह पर कुछ श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस आपदा की घड़ी में यूकाड़ा भी फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। अपर सचिव यूकाड़ा सी रविशंकर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर्स लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। पूरा आपदा काल के लिए मानसून काल के लिए एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है, एक एंटायर वर्ष के लिए, एक साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो Mi-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं।